है गाइस, वेलकम टू बैक ए न्यू वीडियो। सो आज के इस वीडियो में हम ड्रा करेंगे महादेव जी का पोर्ट्रेट। तो ऑलरेडी मैं ग्रिड बना चुका हूँ पहले से ही। ये 20 mm वाला ग्रिड है। ये रहा रेफरेंस पिक, मैं ग्रिड में डाल चुका हूँ ये रेफरेंस पिक, और रेफरेंस पिक को मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और ये देख सकते हो 20 mm है साइज 1 सेल का, और ये 0.5 स्ट्रोक है। और तो चलिए शुरू करते हैं। मैं मार्किंग कर देता हूँ ऊपर के साइड में, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 and 11। और नीचे के पार्ट में भी 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 हो गया जो भी मार्क किया था। अभी मैं उसी हिसाब से ड्रा करूँगा पूरा पोर्ट्रेट। तो मैं पहले जूम कर रहा हूँ वो जो इमेज है, रेफरेंस इमेज के साथ ही करना है। और ये देखो थ्री वाला पार्ट में, ये मैं लेफ्ट से स्टार्ट करूँगा। ये जो भी पार्ट में बॉक्स के अंदर जो भी पार्ट आ रहा है उसी को आपको धीरे धीरे करना है पेशेंस के साथ, ऑब्जर्व करके पूरा पोर्ट्रेट ड्रा करना है। मैं आउटलाइन के लिए ये 2H पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ ब्रूस्टर ब्रांड का, और इसी को मैं पूरा पोर्ट्रेट कंप्लीट करूँगा इसी पेंसिल से आउटलाइन। और आउटलाइन का रियल टाइम पार्ट भी अगर होगा मैं अपलोड कर दूँगा मेरे यूट्यूब चैनल में, आप देख लेना और ये वीडियो को कम्प्लीटली देखना। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ही कर देना। मैं इसी तरह से आगे भी वीडियो अपलोड कर दूंगा। मैं डिस्क्रिप्शन में भी ये जो आउटलाइन वाला स्केच है वो अपलोड कर दूंगा। और शिव जी का मैं अभी हेड ड्रॉ कर रहा हूँ जो भी आउटलाइन के हिसाब से, ग्रिड को ऑब्जर्व करते हुए। आपको ग्रिड को अच्छे से ऑब्जर्व करना है, जहाँ जहाँ पार्ट जहाँ आता है उसको उस हिसाब से ड्रॉ करना है। बस ग्रिड में ड्रॉ करने में थोड़ा इजी होता है, एक्यूरेसी के साथ आपको मिल जाएगा जो भी आउटपुट आप चाहते हो। तो आप डायगोनल के भी इस्तेमाल कर सकते हो, डायगोनल में प्रॉपर शेप में जो भी जहाँ पार्ट है वो एक्यूरेसी के साथ आ जाएगा। जो भी डिटेलिंग वगैरह है वो मैं 0.3 ये मैकेनिकल पेंसिल में अभी ड्रॉ करूँगा। आपको बस टाइम लगा के अच्छे से ड्रॉ करना है, और जो भी बचा हुआ पार्ट है वो आप इरेज कर देना और आराम से करना है स्लोली स्लोली। आपको हर एक डायरेक्शन में आपको नॉलेज होना चाहिए। वर्ड ग्रिड में थोड़ा इजी होता है, ये सब प्रोपोर्शन नहीं चाहिए, बस आपको थोड़ा शेप की नॉलेज होना चाहिए। और ये डायगोनल इसलिए मैं कर रहा हूँ बिकॉज जो डायगोनल पार्ट है वो ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ बन जाएगा और पोर्ट्रेट भी अच्छा लगेगा देखने में। बट जहाँ जहाँ डायगोनल चाहिए वहाँ ओनली करना डायगोनल, डायगोनल हमेशा सही नहीं रहता है। मैं वीडियो अभी थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ, जहाँ भी रिकॉर्ड होगा मैं बोल दूँगा। अभी मैं शिव जी का जो भी ज्वेलरी पार्ट है, मतलब जो रुद्राक्ष वगैरह, वो ड्रा करूँगा अच्छे से। वो थोड़ा डिटेलिंग ज़्यादा होगा इसलिए ध्यान से करना है। ये छोटा छोटा पार्ट बहुत इम्पोर्टेंट होता है रियलिस्टिक ड्रा करने के लिए। अगर ये वीडियो का शेडिंग पार्ट चाहिए तो कमेंट में कमेंट कर देना, मैं अपलोड कर दूँगा। और ये वीडियो को लास्ट तक देखना, आगे से आपको थोड़ा जानकारी मिलेगा आउटलाइन कैसे बनाते हैं। तो मैं वीडियो थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ, लास्ट तक देखना। ये रुद्राक्ष वगैरह का वो ड्रा करना अच्छे से आउटलाइन, क्योंकि जब आप शेडिंग करोगे तो गलत हो जाएगा। ये पूरा आउटलाइन मुझे अराउंड 1 आवर से 1.5 आवर तक लग गया था,
बट ये थोड़ा फास्ट करके बना रहा हूँ बिकॉज ज़्यादा टाइम हो जाएगा वीडियो बनाने के लिए। अगर आपको इसका रियल टाइम वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट कर देना, मैं उसे अपलोड कर दूँगा। ये स्केच ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है, अभी मैं हेयर वाला पार्ट ड्रॉ करूँगा। ये देख सकते हो ये जो हेयर वगैरह है वो अच्छे से मैं ड्रॉ कर रहा हूँ बिकॉज शेडिंग में ना दिक्कत हो, इसलिए आगे हेयर वगैरह भी स्टैंड दे रहा हूँ। बस पिक को ऑब्जर्व करते हुए ये कंप्लीट हो गया पोर्ट्रेट, ये कंप्लीट हो गया है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कर देना, और कैसा लगा है कमेंट में कमेंट कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।